वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। हम पढ़ेंगे आज से ज्योग्राफी का आपका जो लास्ट चैप्टर इस रिड्यूस सिलेबस में जो रिमेन रह गया है वो फिफ्थ चैप्टर है आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बच्चों ज्योग्राफी में हमने जो पढ़ना शुरू किया ना, आप देखो लाइन बाय लाइन हम रिसोर्सेज ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट और रिसोर्सेज का क्या रिलेशनशिप है, और उसके बाद में हम लैंड रिसोर्स या सॉइल रिसोर्स की तरफ गए थे और हमने अलग अलग तरह की सॉइल्स को देखा था। सेकेंड चैप्टर में हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया था। थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि वाटर रिसोर्स कितना एसेंशियल है हमारे लिए। फोर्थ चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, और आज है हमारा फिफ्थ चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, यानी खनिज और ऊर्जा संसाधनों की। बच्चों खनिज हमारे लिए बहुत जरूरी संसाधन है। खनिज जो होते हैं वो हमें पृथ्वी के नीचे से मिलते हैं मोस्टली, और वो इस तरह के संसाधन होते हैं जिनके बिना हम आज की दुनिया में तो अपने जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ वो प्रिमिटिव एज था जब इंसान को खनिजों के बारे में पता नहीं था, सिर्फ तभी इंसान खनिजों के बिना रह पाया था, वरना उसके बाद से कभी भी इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता खनिजों के बिना। जब शुरू शुरू में लोहा नहीं, शुरू शुरू में तांबा जो है वो इंसानों को मिला था, और ताम्रयुगीन सभ्यताएं जब शुरू हुई थी उसके बाद में पहले तो इनको सिक्कों की तरह काम में लिया जाने लगा, हथियार इनसे बनाए जाने लगे, क्योंकि खनिजों की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये जो खनिज होते हैं इनके अपने कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिनकी वजह से ये अपना ये स्थान प्राप्त कर पाए हैं। खनिज जो है वो बहुत लंबी एक जियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद बनते हैं, और आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है कि इनको हम नॉन रिन्यूएबल की या जिनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं उनकी श्रेणी में रखते हैं। क्यों रखते हैं अनवीकरणीय श्रेणी में इनको? क्योंकि खनिज एक बार अगर वो अपनी खत्म हो जाए तो उनको फिर वापस से काम में नहीं लिया जा सकता। लेकिन खनिजों की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो रिसाइकल्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं। आप आयरन ले लीजिए, आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए, जो मोस्टली जो ऐसे खनिज होते हैं जो मेटेलिक जिनको काइंड ऑफ मिनरल्स कह सकते हैं, धात्विक खनिज जिनको कहते हैं, वो सारे अधात्विक खनिज रिसाइकलेबल होते हैं, पुनर्चक्रण के योग्य होते हैं। तो ये पुनर्चक्रण होने की वजह से, इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये इतने वैल्यूएबल भी होते हैं। लेकिन खनिज जो है हम इस तरह से इनका यूज करते जा रहे हैं कि वो जल्दी ही ऐसा लगता है उनके सारे भंडार खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को ये चैप्टर सारे पढ़ाने से क्या तात्पर्य है? देखो बच्चों, आप वो पीढ़ी हो जो आगे जाकर इस देश के और इस दुनिया के जिम्मेदार नागरिक बनोगे। आप लोगों का ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हम रिसोर्सेज के बिना अपने सर्वाइवल की बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो हमको करना है, तो उन्हीं रिसोर्सेज के साथ हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, और इसी डेवलपमेंट की वजह से ही हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब आज हम पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में, यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये दो तरह के रिसोर्सेज कैसे हैं, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज अलग अलग कैसे हैं? मिनरल्स जो होते हैं जिनको हम हिंदी में खनिज कहते हैं, खनिज जो होते हैं वो उनको खनिज क्यों कहते हैं या मिनरल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माइनिंग एक्टिविटी से हमें प्राप्त होते हैं, यानी खनन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इनको खनिज कहा जाता है। और ऊर्जा संसाधन जो होते हैं उनमें खनिज भी आते हैं कई सारे, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब चीजें, या फिर कई सारे ऊर्जा संसाधन जो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा है उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन भी खनिज संसाधनों के साथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई खनिज संसाधन या कई खनिज जो है, मिनरल्स जो है, वो हमारे लिए ऊर्जा संसाधनों की तरह काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्या होते हैं खनिज? सबसे पहले खनिज भूवैज्ञानिक खनिज को एक निश्चित आंतरिक संरचना के साथ सजातीय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ, एक निश्चित आंतरिक संरचना के साथ
सजातीय और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। सीधा सा अर्थ इसका यह है कि इनकी संरचना एक जैसी होती है। आयरन होगा तो वो आयरन ही होगा, उस जगह सारे जो है वो आयरन के हमें डिपॉजिट्स मिलेंगे, सारे जगह आयरन के भंडार ही मिलेंगे, जहां कोल मिलेगा वहां कोल ही मिलेगा। तो वो इनकी एक सजातीय संरचना होती है, एक जैसी इनका स्ट्रक्चर होता है। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये हम नहीं बना सकते, ये प्रकृति ही है जो हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है, ये सारे रिसोर्सेज हमें देती है। इनमें भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक का मतलब बाहरी गुण, जैसे लोहे को हम उसके रंग से पहचान सकते हैं, तांबे को उसके रंग से पहचान सकते हैं, कोयले को उसके रंग से पहचान सकते हैं। साथ ही रासायनिक गुण होते हैं, ये अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग क्रिया करते हैं, जैसे लोहा पानी के साथ या नमी के साथ क्रिया करता है तो उसमें जंग लग जाती है। तो उनमें क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। जैसे तांबा है वो विद्युत का इतना अच्छा सुचालक होता है कि उनसे तार बनाए जाते हैं और जो विद्युत है उसको इधर उधर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि खनिज प्रत्येक वो पदार्थ है जिनकी अपनी भौतिक रासायनिक पहचान होती है, वो एक जगह डिपॉजिट के रूप में मिलते हैं, जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं और एक जैसे गुण होते हैं। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजीनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये एक परफेक्ट इसकी डेफिनेशन है जो आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी है। होमोजीनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। दे हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बाय विच दे कैन बी आइडेंटिफाइड। उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनसे उनको हम पहचान सकते हैं। खनिज हमें मिलते कहाँ हैं, खनिज हमें मिलते हैं रॉक्स में, चट्टानों में मिलते हैं। क्या होती है चट्टाने, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन और aggregates of minerals in varying proportion. Some rocks consists of a single mineral, for example limestone, while most rocks consists of several minerals. ठीक है, चट्टाने क्या होती है चट्टाने, चट्टाने अलग अलग अनुपात में खनिजों के संयोजन या समुच्चय को कहते हैं। कुछ चट्टानों में एक ही खनिज होता है जैसे कि चूना पत्थर, जबकि अधिकांश चट्टानों में कई सारे खनिज होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं चट्टाने क्या होती है, चट्टाने होती है मोस्टली चट्टाने जो होती है या जिनको हम शुरुआती या पेरेंट रॉक कहते हैं, पेरेंट रॉक आग्नेय चट्टाने होती है जो इग्नियस रॉक्स होती है। इग्नियस रॉक्स कैसे बनी थी, जो प्राचीन समय में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ पृथ्वी एक आग का गोला था, उस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वोल्केनो विस्फोट हुए थे, बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, और उन्हीं विस्फोटों से जो द्रव बाहर निकल के आया वो जम गया चट्टानों के रूप में, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक। उसके अलावा जो अवसादी चट्टाने होती है, कायांतरित चट्टाने होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स, वो अलग भी अलग अलग तरह की रॉक्स होती है। चट्टाने जितनी पुरानी होती हैं, फिर उनके ऊपर दबाव पड़ता रहता है, साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, साथ ही साथ बाहरी जो तापमान होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों को मिला के उनके अंदर अंदर जो है कुछ जियोलॉजिकल कुछ केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, और यही चेंजेस लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद खनिजों के रूप में बदल जाते हैं। अब दबाव कितना पड़ा उन चट्टानों पर, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, कितना टेम्परेचर रहा, क्या बाहरी सिचुएशन रही, ये सारी चीजें मैटर करती है और उसी के बाद खनिजों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। खनिज आमतौर पर निम्न रूपों में पाए जाते हैं। खनिज किन रूपों में पाए जाते हैं, खनिज चार तरह के रूपों में हमें मिलते हैं। चार तरह ऐसे हैं, चार जगह ऐसी है जहां से हमें खनिज पाए जाते हैं। पहली दरारों और गांठों में पाए जाते हैं। दरारों और गांठों का मतलब होता है वेन्स एंड लोड्स। वेन्स एंड लोड्स का मतलब आप ऐसे समझिए, कई बार जो है शब्द आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन उनका आप जैसे आपको मीनिंग समझ में आएगा ना, वैसे ही आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, अब उस चट्टान में हमें पता है कि सूर्य की धूप पड़ती है, साथ साथ में जो है बाहरी हवा चलती है, कभी तापमान ज्यादा होता है कभी तापमान कम होता है, तो कई बार चट्टानों के बीच में क्या होती है, दरारें पड़ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से दरारें पड़ जाती है, और उन्हीं दरारों के बीच कुछ और फिल हो जाता है, और लाखों सालों में उस पर भी जब दबाव पड़ता है तो वो जो भी इन दरारों के बीच में फिल हुआ है वो क्या क्या हो जाता है, वो खनिजों के रूप में चेंज हो जाता है।
ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो इनको वेन्स या दरारे कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है इनको, वेन्स या दरारे कहा जाता है। नेक्स्ट है लोड्स। लोड्स अगर दरारे नहीं पड़ के और खनिज चट्टानों के बीच की जो जगह है वो किसी वजह से, किसी केमिकल चेंजेस की वजह से अगर खनिजों में परिवर्तित हो जाती है तो उनको कहा जाता है लोड्स या गांठें। ये गांठों के रूप में संरचना होती है, ठीक है ना, तो इनको दरारें या गांठें कहा जाता है। आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों में खनिज दरारों या जोड़ों में जमने से हो सकते हैं। छोटी घटनाएं जो होती हैं या छोटे 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 जो जमा होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, और बड़ी जो जमा होती हैं उनको गांठें कहते हैं। जैसे टिन, तांबा, जस्ता और सीसा आदि धातु के खनिज गांठों और शिराओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये वेन्स और लोड्स में ही मिलते हैं। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स बाय गेटिंग सॉलिडिफाइड इन दैम। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कोल्ड वेन्स एंड द लार्जर लोड्स। जो छोटे छोटे होते हैं उनको तो वेन्स कहेंगे, शिराएं या फिर दरारे कहेंगे, और जो बड़े होंगे उनको लोड्स या गांठे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एटसेट्रा आर फाउंड इन द लोड्स एंड वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है तलछट्टी चट्टानें या जिनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं, परतों में पाए जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए जो हमारी पेरेंट रॉक है, जो मुख्य जो चट्टान है वो हमेशा इग्नियस होती है, आग्नेय। अब आग्नेय चट्टान है, इस पर कहीं सूर्य की रोशनी पड़ी है, हवा चल रही है, तापमान कम ज्यादा हो रहा है, तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। और ये चट्टान जो है दो तरीके से इसका खंडन होता है। पहली तो ये टूटती है, कई बार ये टूट जाती है और छोटी छोटी जो है कणों में बदल के, और वो कण जब जमते जाते हैं तो इस तरह से क्या बनती है, इस तरह से बनती है अवसादी चट्टानें, जो एक के ऊपर अवसाद पड़ते रहते हैं, ठीक है, या जिनको जो है सेडिमेंटरी रॉक्स भी कहा जाता है। कई बार ये अवसाद नहीं बनती बल्कि उनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, तो उन केमिकल या रासायनिक परिवर्तनों को क्या कहेंगे, उससे जो चट्टानें बनती है उनको रूपांतरित, कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो तलछटी चट्टानों में या अवसादी चट्टानों में खनिज क्यारियों या परतों में पाए जाते हैं। वो क्षैतिज स्तर में जमाव, संचय और इकट्ठे होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कुछ तलछटी या अवसादी खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप भी बनते हैं, जैसे सूखे क्षेत्रों में जैसे जिप्सम, पोटाश और नमक। ये किस वजह से बनते हैं, ये बनते हैं वाष्पीकरण, इवोपरेशन की वजह से। इन सेडिमेंटरी रॉक्स मिनरल्स ऑकर इन बेड्स एंड लेयर्स। दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। सम सेडिमेंटरी मिनरल्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इवोपरेशन एस्पेशली इन एरिड रीजन, फॉर एग्जाम्पल जिप्सम, पोटाश एंड साल्ट, ठीक है ना। तो पहले किस लिए बने, पहले बने वो बने आग्नेय चट्टानें और कायांत्रिक चट्टानों में गांठों और दरारों के रूप में। दूसरे बने जो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, अवसादी चट्टानें हैं, उनमें परतों के रूप में या फिर जो इवोपरेशन होता है वाष्पीकरण उसकी वजह से। तीसरे हैं प्लेसर। प्लेसर क्या होते हैं, कुछ खनिज घाटी के तल की ओर रेत पहाड़ियों के आधार पर बनते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम, ये जलोढ़ के रूप में जमा होते जाते हैं। इनको प्लेसर कहा जाता है, इनको प्लेस किया जाता है ना, इसलिए इनको प्लेसर कहा जाता है। और इनमें ऐसे खनिज होते हैं जो पानी से संक्षारित नहीं होते। संक्षारित होना मतलब जंग लगना, उससे उनमें जंग नहीं लगती है। फिर है प्लेसर डिपॉजिट्स। सर्टेन मिनरल्स ऑकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स और वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम। दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स एंड कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय वाटर, ठीक है ना, इनमें जंग नहीं लगती, ये सारे ऐसे ही मिनरल्स होते हैं। और लास्ट जो मिनरल्स मिलने की जगह है वो है समुद्र के पानी में बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जैसे सामान्य नमक वहां मिलता है, मैग्नीशियम वहां मिलता है, ब्रोमाइड वहां मिलता है, समुद्र के पानी से प्राप्त होते हैं। महासागरीय तल मैग्नीज की गांठों से भरपूर होते हैं, बहुत मैग्नीज मिलता है समुद्र की तल में। ओशन वाटर्स कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइड, एंड लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर।
द ओशन बेड्स आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स, बहुत सारा मैग्नीज होता है समुद्र के तट पर, ठीक है ना। तो ये हमने जानकारी प्राप्त की कि खनिज क्या होते हैं। खनिजों को अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दो तरीके के खनिज बता सकते हैं। पहले होते हैं वो जो जिनमें धातु के गुण होते हैं, जिनको हम कहते हैं धात्विक खनिज, ठीक है। दूसरे अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज या मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं, वो ऐसे सारे मिनरल्स होते हैं जिनमें धातु के गुण होते हैं, मेटल्स के गुण होते हैं। मेटल्स में क्या गुण होते हैं, मेटल्स ठोस होते हैं, मेटल्स में एक चमक होती है, मेटल्स जो होते हैं वो विद्युत के वाही होते हैं, यानी को वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर प्रवाहित कर सकते हैं। तो ऐसे सभी गुणों को जो रखते हैं उनको कहते हैं मेटेलिक मिनरल्स या धात्विक खनिज, ठीक है ना। धात्विक खनिज जो होते हैं जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, इन सबको धात्विक खनिज कहेंगे। और अधात्विक खनिज जो जिनमें धातु के गुण नहीं होते, जो कई बार मिट्टी के जैसे भी होते हैं, जैसे मैग्नीज है या फिर जैसे जिप्सम है, पोटाश है, ठीक है ना, कैल्शियम है, ये सारे जो गुण, ये सारे जो खनिज होते हैं वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज जो होते हैं वो एक जमाव के रूप में होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज खुद एक चट्टानों के रूप में होते हैं। एस्पेशली सेडिमेंटरी रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो अधात्विक खनिजों की तरह पाई जाती है, ठीक है। अब जो धात्विक खनिज होते हैं उनको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो जिनके अंदर लोहा होता है, जिनको हम फेरस मिनरल्स कह सकते हैं, और दूसरे नॉन फेरस या फिर अलोह खनिज, जिनमें लोहे की जो मात्रा पाई जाती है वो लोह खनिज, और जिनमें नहीं पाई जाती वो अलोह खनिज। जैसे कि लोहा तो ही है आयरन, और वो क्या है, लोह खनिज। लेकिन एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, अलोह खनिज, जो जो कि चुंबक के साथ अपना किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देते, वो अलोह खनिज होते हैं, सीधा सा बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन के बाद हम लोहे के बारे में भी सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि लोहा जो है वो सबसे, जिसको बेसिक एलिमेंट माना जाता है मिनरल्स में, लोहा वही बेसिक एलिमेंट है। और भारत लोहे के अगर दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिच तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया को काउंट किया जा सकता है। भारत में लोहा जो है वो बहुत ज्यादा पहले नहीं खोजा गया था, क्योंकि भारत की शुरुआती जो सभ्यताएं हैं वो ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यताएं रही है। तो ऐसे में भारत में लोहा जो है वो बहुत बाद में खोजा गया, उसका यूज जो बहुत बाद में किया जाना शुरू हुआ। लेकिन भारत में लोहे का खनिज, लोहे का जो अयस्क है वो, इसकी सबसे ज्यादा जो प्राप्ति होती है वो कहाँ प्राप्त होता है, वो झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा मिलता है। मध्य प्रदेश में इसके जमाव बहुत हैं। तो सबसे पहले हम लोह खनिज के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि लोहा जो है वो सबसे बेसिक एलिमेंट माना जा सकता है जब हम बात करेंगे मिनरल्स की। क्यों है बेसिक एलिमेंट, सारी मशीन्स जो है वो लोहे से बनती है, लोहे से इस्पात बनाया जाता है, और इस्पात से ही सभी मशीनें बनती है, हमें पता है, और मशीनें ही हमारे इस युग का आधार है। तो कहीं ना कहीं लोहा जो है वो सबसे बेसिक एलिमेंट है अगर हम मिनरल्स की बात करें तो। तो चलिए पढ़ते हैं लोह अयस्क या आयरन ओर के बारे में। लोह अयस्क कितने तरह के होते हैं, लोह अयस्क 4 तरह के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइडराइट और लिमोनाइट, ठीक है ना। ये 4 तरह के होते हैं, आपको चारों के नाम याद रखने हैं, लेकिन 2 जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से 2, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये 2 लौह तत्व जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह के लौह तत्वों में से ज्यादा लोहा मिलता है। देखो हमें जो धातु मिलती है ना, वो धातु उस रूप में नहीं मिलती जिस रूप में कि हमने निकाली और काम में ले ली, कि भाई लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानें निकाली और उनको फिर गलाकर और काम में ले लिया। हमें धातु हमेशा अयस्क के रूप में मिलता है, जिसको हम ओर कहते हैं, ठीक है ना, कच्चा धातु मिलता है जिसके अंदर उस धातु के अलावा और भी कई सारी चीजें मिक्स होती है। इसीलिए आपको जब चट्टाने पढ़ाई थी ना शुरू में, देखो चट्टाने बताई थी ना मैंने, तो चट्टानों में मैंने कहा था कि हाँ ये देखिए, जैसे कई कुछ चट्टानों में एक ही खनिज होता है, लेकिन अधिकांश चट्टानों में कई खनिज होते हैं। तो जब हम लोहा भी निकालेंगे तो उसमें भी कई सारे खनिज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे में अलग करना पड़ता है उनको, जो हमें अयस्क मिलता है उसको रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइन करके और फिर उसमें से अपनी डिजायरेबल जो भी मिनरल है वो हमें प्राप्त करनी पड़ती है, ठीक है। तो लोहा जो है वो 2 अयस्क इसके सर्वोत्तम होते हैं। कौन कौन से, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट।
मैग्नेटाइट क्यों है सर्वोत्तम, ये 70% तक लौह सामग्री के साथ उपलब्ध सर्वोत्तम लौह अयस्क है। जब जो जितना टोटल हमें एलिमेंट मिलता है उस टोटल एलिमेंट में 70% लोहा जो है वो तब होता है जब वो मैग्नेटाइट काइंड ऑफ ओर हो। इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण होते हैं और ये विद्युत उपयोग में विशेष रूप से मूल्यवान है। ठीक है, मैग्नेटाइट इट इज द फाइनेस्ट आयरन और अवेलेबल विद अप टू 70% आयरन कंटेंट। इट हैज एक्सलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज एंड इज एस्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है हेमेटाइट। उपयोग की जाने वाली मात्रा के मामले में ये सबसे महत्वपूर्ण है और औद्योगिक लौह अयस्क है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टील बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है, वो इसी से बनाया जाता है। इसमें 50-60% तक आयरन की मात्रा होती है। हेमेटाइट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म ऑफ क्वालिटी यूज। इट हैज 50-60% आयरन कंटेंट। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट आपको याद रखने हैं। मैग्नेटाइट में 70% तक लोहे के गुण होते हैं और लोहा होता है जो लोहा है इसको महत्वपूर्ण बनाता है, और इसमें सर्वोत्तम चुंबकीय गुण होते हैं, सबसे अच्छे जो मैग्नेटिक जितनी क्वालिटीज है वो इसमें होती है। और हेमेटाइट में 50-60% आयरन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ही उद्योगों में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपके मैप आते हैं तो मैप भी हम साथ साथ ही क्लियर करेंगे। 4 प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट कहाँ है इंडिया में। सबसे पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट, ये बादाम पहाड़ खदाने हैं यहाँ पर, और उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क यहाँ पाया जाता है। ओडिशा झारखंड बेल्ट बादाम पहाड़ माइंस आर देयर एंड हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड हियर। हमने देखा ना मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, तो हेमेटाइट जो ओर है आयरन ओर वो यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, विच इज दुर्ग बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट, जिसकी खदान को कहा जाता है बेलाडीला खदान। बेलाडीला रेंज में उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, और इन खदानों से लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यानी इंडिया से जो आयरन ओर निकाला जाता है वो हम तो यूज लेते ही हैं, लेकिन वो इतना एक्सेसिव होता है कि हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं कई बार। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट बेलाडीला माइंस सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन बेलाडीला रेंज। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, उसके बाद में तीसरा बेल्ट जो है वो कर्नाटक में बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकलंगूर तुमकूर बेल्ट कहलाता है। इसमें जो माइन है उसका नाम है कुद्रेमुख माइन। ये 100% निर्यात की इकाई है, मतलब यहाँ से जितना भी निकाला जाता है उसको 100% सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस अयस्क को घोल के रूप में मैंगलोर के निकट एक बंदरगाह पर ले जाया जाता है। बेल्लारी चित्रपुर चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका, और यहाँ की जो माइन है उस माइन को कहा जाता है कुद्रेमुख माइन। 100% एक्सपोर्ट यूनिट है यहाँ पर। The ore is transported as slurry to port near Mangalore. इसको slurry कहते हैं, वो एक घोल जैसा होता है जो पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता और पूरी तरह से ठोस भी नहीं होता, तो उसे slurry रूप में बनाकर और फिर भेजा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे उन कंटेनर्स में भरना इजी हो जाता है उसके लिए। और लास्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जो महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला है उसमें पाई जाती है। इसके अयस्क बहुत उच्च गुणवत्ता वाले नहीं है। ये मार्मागोवा बंदरगाह के लौह अयस्क का निर्यात इससे किया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मार्मागोवा पोर्ट। अब एक बार फटाफट से ये जो हमने बेल्ट्स पढ़ी हैं, चारों बेल्ट पढ़ी हैं, पहली उड़ीसा झारखंड बेल्ट, फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, फिर बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर पेटी, और फिर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इनको जरा एक मिनट के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे भारत में कहाँ पाई जाती है। क्यों, क्योंकि आपके जो मैप आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये देखिए, ये है वो बेल्ट। सबसे बड़ी बेल्ट जो हमने देखा था वो थी उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो ये उड़ीसा राज्य है, ये उड़ीसा राज्य है, और ये झारखंड।
उड़ीसा झारखंड इन दो राज्यों में से होते हुए और थोड़ा बहुत जिसके अंदर बंगाल भी शामिल है, ये बेल्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। और ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है ना, ये लोहे का सबसे बड़ा भंडार है और सबसे उच्च क्वालिटी का भारत में लोहा यहाँ पाया जाता है। दूसरा नंबर वन ये है। सेकंड दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, देखिए ये छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, थोड़ा बहुत इन तीन राज्यों में ये पेटी फैली हुई है, ठीक है। तीसरी पेटी जो है वो बेल्लारी चित्रदुर्ग एंड चिकमंगलूर तुकमूर पेटी है। ये बेल्ट कर्नाटक और केरल जिलों में फैली हुई है, स्पेशली कर्नाटका में है ये। और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है वो रत्नागिरी पहाड़ी के इलाके में है। तो ये चार बेल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों आपको इसके लिए जरूरी क्या होगा, आपको इसके लिए जरूरी होगा कि आपको सब स्टेट्स के नाम पता हो। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है एंड ऑफ कोर्स नियर फ्यूचर जल्दी ही आपके लिए एक मैप वीडियो फिर से आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से कहां कौन से स्टेट जो है वो है, तभी आप ये पता कर पाओगे कि ये बेल्ट हमें कहां कहां पर इनको बताना है, अगर आपके मैप में आ जाती है तो, ठीक है ना। मैप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। अभी हमने लौह अयस्क पढ़ा है, तो हम एक एक करके जैसे जैसे हम खनिज पढ़ेंगे वैसे वैसे मैप के अकॉर्डिंग उनको एनालिसिस करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। तो चार बेल्ट हमने पढ़ी, उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो उड़ीसा और झारखंड में है, दूसरी हमने दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट पढ़ी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, तीसरी हमने बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर बेल्ट पढ़ी जो कर्नाटका में है, और चौथी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो रत्नागिरी पहाड़ी के पास है। तो ये चारों बेल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आयरन ओर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आयरन ओर के बाद और बाकी जो मिनरल्स हैं, बाकी जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।